Dear students, I welcome you in the course of Leadership, Emotional Intelligence, and CN Making. This is module number one to five. And we are going to talk about that you can't manage emotions without knowing what they really are. So we have to be careful about the emotions. We have to be careful about their expressions. And we also need to be careful about that how we are going to demonstrate those emotions and feelings and the mood towards other people in that context when we are talking about feelings and emotions remember it is basically a matter of time emotions are basically the starting point then we have to develop certain feelings and then we moving to, then we might move towards developing our mood so in that association remember that emotions are basically interpretations of the feelings and they are like taken a pass sometimes in interchangeable expressions as well. The second thing is that feelings emerge from our motivational system that either we are going to have what we wanted or our expectations are being or not. Our feelings set is basically our inner perspectives, hai, emotions and feelings ke, unke associated wo hoti The next point, important point is ंगस ये देखने की कोशिश करें कि वो रूट कॉज क्या है जहां से आपके इमोशन वो ट्रिगर हो रहे हैं वो एक्चुअली कौन सा स्टिमुलस है जो आपके उन पर्टिकुलर फीलिंग्स को आपके अफेक्ट पार्ट ऑफ एटीट्यूड को वो ट्रिगर कर रहा है जब हम अपनी फीलिंग्स को ट्रैक कर पाते हैं तो हमारे पास रीजन एंड लॉजिक्स आ जाती है ऑफ बिहेविंग इन अ सर्टन वे एनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दट वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट अवर ट्रिगर्स

आप एज ए लीडर सपोज अगर वहां पर एक्ट कर रहे हो तो आपने अपने फॉलोअर्स को कैसे लेकर चलना है सो so, अपने फोकस को अपनी ऑब्जेक्टिविटी को वो कभी भी कंप्रोमाइज वो नहीं करें बाकी जो सब्जेक्टिव मैटर्स हैं नो डाउट उन्हीं को टैकल करने का नाम आपका इमोशनल इंटेलिजेंस वो होगा द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज के हमें देखना पड़ेगा कि इमोशनल प्रस्पेक्टिव में वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मीडिएट कर रहे हैं टुवर्ड्स अवर रिलैक्सेशन और वो कौन कौन से इफेक्ट्स हैं कि जो हमें हमारी फीलिंग्स एंड इमोशन को कॉज करने का सबब वो बन रहे हैं एनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज के यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड अदर्स परस्पेक्टिव एज वेल दूसरों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो तभी वो आपकी भी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश वो करेंगे इट्स मेनी टाइम्स इट इज सेड दैट फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टुड ऑल्सो so नोइंग आपकी जो फीलिंग्स हैं आपके जो इमोशन है वो क्या है और जो दूसरा शख्स आपके साथ वाबसता है उसके फीलिंग्स एंड इमोशन वो क्या है एनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू डोंट ट्राई टू मिस इंटरप्रेट योर नेगेटिव फीलिंग्स इन अ वे कि आप उनसे ऐसे मुतासर हो जाओ दैट योर थॉट्स आर हैविंग नेगेटिव वाइब्स अगर ऐसा हो रहा है तो फिर यू आर बिकमिंग ए ट्रैप ऑफ यूर ओन इमोशनल कॉन्टेक्ट तो याद रखें कि हमें रॉन्ग डूइंग से बचना है हमें नेगेटिविटीज से बचना है और वो तभी पॉसिबल होगा कि जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करो रिहर्सल करो और एफर्ट करो एनदर थिंग इज फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड योर ओन स्टेट ऑफ माइंड बिकॉज अगर कोई शख्स अपने आप को अपनी फीलिंग्स को अपने इमोशन मूड्स को नहीं पहचान सकता तो वो कैसे ये दावा करेगा कि वो किसी और को जान सकता है देयर फोर वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ फीलिंग्स मूड्स एंड इमोशंस डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो देर आर मैनी वेज इन वी फील आर वेज जो कि हमारे मूड्स को ट्रिगर करते हैं एंड देर आर मैनी एस्पेक्ट्स के जो कॉजेज होती हैं ट्रिगर्स होते हैं हमारी फीलिंग्स के लिए हमें उन सब के बारे में कॉन्शियस रहना है तभी हम ये क्लेम कर सकेंगे कि हम दूसरों की जो फीलिंग्स हैं उसको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं